अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बहुत ही अफसोस के साथ ये खबर सुनी गई है कि चेन्नई के मशहूर व मारूफ डॉक्टर सैयद खलीफतुल्लाह साहब का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप जानते हैं कि डॉक्टर खलीफतुल्लाह साहब एक काबिल क़दर डॉक्टर ही नहीं थे बल्कि सोशल एक्टिविस्ट भी थे। एक ज़माना था वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में थे, जिसके अलावा मुसलमानों के कई तंजीमों से उनका कनेक्शन रहा है। न्यू कॉलेज हो, अंजुमन हिमायत इस्लाम हो, वो मीटिंगों में हाज़िर हो जाते थे और आला ओहदे पर फाइज थे। उन्होंने कौम और मुल्क की बहुत खिदमत अंजाम दी है। यूनानी मेडिसिन में तो उनका बहुत नाम था। उनकी खिदमत बहुत हैं, यह हम तमाम जानते हैं। आज उनकी रहमत की खबर सुनकर सबको बहुत अफसोस हुआ है। क्या करें, हम मजबूर हैं। सबको एक ना एक दिन इस दुनिया फानी को छोड़कर जाना ही है। मौत से कोई बच नहीं सकता, मगर जब भी किसी की मौत होती है तो हमें मरने वाले के आमाल के बारे में भी एक हद तक जानकारी पैदा हो जाती है। आमाल ही काम आते हैं। यहाँ दुनिया में लोगों के दरमियान भी और आखिरत में भी डॉक्टर सैयद खलीफतुल्लाह साहब कौम के एक रहबर थे। उन्होंने, जैसा कि मैंने कहा, मुल्क और कौम के लिए बहुत कुछ किया है। आज वो भी हमसे दूर हो गए हैं। क्या करें, इस दुनिया को हर एक को एक ना एक दिन छोड़कर जाना ही है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला मरहूम डॉक्टर सैयद खलीफतुल्लाह साहब की मग़फ़िरत फरमाए और उनके अहल अयाल को सब्र जमील अता करें। खुदा हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।